वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मज़े में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। सो, हम लोग अब वही शॉप से जो खिलौने वाली झूला वगैरह लिए थे निकल रहे हैं। मैंने बताया था पहले भी, काफ़ी बड़ा वीडियो है इसलिए मुझे 3 करके डालना पड़ा। अच्छा लग रहा है, वो भी धागा भी बहुत मजबूत है। वो ऐसा लग रहा है जैसे दूर से टूट जाएगा, लेकिन छुई तब पता चला तो टूट ही नहीं सब। 3 स्टेप में करके डालना पड़ा कि आप लोग इजिली देख सकें, और ज़रूर देखिएगा वीडियो। हम लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और मैंने आपको चलिए इसी बहाने गोंदिया दिखाया। गोंदिया का मार्केट इसी तरीके से काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ें इजिली पास में हैं, अवेलेबल होती हैं पास में, तो हम लोग बढ़िया चले जाते हैं। ज़्यादातर तो मैं ही चली जाती हूँ और सारी शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ मैं, और नजू को उतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि वो ड्यूटी चले जाते हैं, फिर थके वगैरह आते हैं। और ये देखिए फल वगैरह की शॉप थी जो जहाँ से हम लोग अक्सर लेते हैं, और ये आ गए ही प्लास्टिक की दुकान जिसमें से केक टिन वगैरह, और ये ये बेकरी जो लिखी है यही बेकरी, यहाँ सबसे बड़ी बेकरी है ये, और इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बट कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो अभी नहीं थी, लॉकडाउन कोरोना की वजह से बोलते हैं नहीं लाते हैं, नहीं वो करते हैं, ज़्यादा कोई ले नहीं पाता है, और इस वजह से उन लोग के पास कुछ कुछ चीज़ें नहीं थी। बाकी बेस्ट सबसे अच्छी बेकरी यही वाली है, गोंदिया की, नाम वगैरह तो मुझे नहीं पता है, और ये पुलिस थाने के पास है, तो मैं अक्सर जाती हूँ और जो जो चीज़ें चाहिए, और मॉल जैसे है अपने हिसाब से जाइए और आ जाइए लेके। और ये यहाँ की मस्जिद है, ये देख रहे हैं आप ऊपर, ये मस्जिद है। यहाँ पर अक्सर हम लोग मतलब शॉपिंग आते हैं, बिल्कुल बीच मार्केट में बनी हुई है, काफ़ी अच्छी है, और अजान वगैरह भी होती तो अच्छा लगता है, एकदम चहल पहल वहाँ, सभी दुकानें अगरबत्ती वगैरह की यहीं पर हैं दुकानें, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर भी। और अभी तो सभी चीज़ें एकदम खुल गई तो बहुत ज़्यादा चहल पहल हो गया है। अब मैंने नज्जू से बोली कि चलते हैं, बहुत सारा घुमा दिए आपने, बहुत ज़्यादा घूम लिए, अब चलते हैं घर, क्योंकि इसके बाद हमें खाना भी बनाना है। ये नागपुर नहीं है कि अपन जब पता है नागपुर में क्या होता था कि हम लोग जैसे घूमते थे और लेट हो जाते थे तो अक्सर बिरयानी ले आते थे या कोई भी चीज़ बाहर से, और कोई भी घर में बनाने की टेंशन नहीं होती थी। ये क्या करते थे, ड्यूटी वगैरह से भी आते थे कि हाँ मैं आया हूँ थका हारा, तो बिल्कुल फ़ोन करेंगे, मैं बिरयानी ले आता हूँ, बिरयानी ले के आता हूँ। हम लोग की इस तरीके से ही लाइफ चलती थी, या चिकन वगैरह ले आता हूँ, रोस्टेड ले आता हूँ, ऐसे लाइफ थी हमारी। और ये देखिए यहाँ के चाट शॉप है, काफ़ी अच्छी है, वहाँ पर मतलब सभी स्टॉल लगी रहती हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। और ये देखिए नज्जू हमको ले जा रहे हैं ब्रिज में, जो कि नीचे से ले जा रहे हैं छोटे वाले से, फिर ऊपर वाले से रिटर्न वापस आएंगे, तो बोलते हैं चलो तुम लोग को ब्रिज भी घुमा देता हूँ। मैं तो माना कि बहुत घूम लिए थे क्योंकि पूरा गोंदिया का मार्केट घुमा दिए थे, कोई भी जगह छोड़े नहीं थे इन्होंने, क्योंकि मैं कुछ कुछ ही वीडियो बनाई तो भी इतने सारे बन चुके हैं। चलिए आगे अपन लोग घूमते हैं। जो आगे देखिए नज्जू बता रहे हैं, वो बता रहे थे कि देखिए देखो ब्रिज के ऊपर से स्टेशन कितना प्यारा दिखता है, एकदम लाइटिंग में, नाइट का समय था तो वही मैं आपको दिखा रही थी, कितना अच्छा दिख रहा था एकदम फुल लाइटिंग में, और ऊपर से पूरी एकदम साफ साफ दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए हम लोग कितने ऊपर आ चुके हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को, ऊपर एकदम फ्लाइंग कर रहे हैं लग रहा है, और नीचे सभी लोग, और काफ़ी ऊंचाई पे ब्रिज है तो बहुत मज़ा आ रहा था, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और मुझे तो टेंशन थी घर में जाके मुझे अभी खाना वगैरह बनाना, बट ऐसा है कि इन लोग परेशान नहीं करते किसी भी चीज़ में, जो भी बनाओ जैसा भी। और नाइट में तो ज़्यादातर हम लोग मतलब
भुंजिया जैसे बना लेती हूँ किसी की भी सब्जी की, और रोटी वगैरह ही खाते हैं, दाल चावल या फिर सिरे वाला कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, भुंजिया ही रोटी खाना होता है नाइट में। तो कोई टेंशन नहीं है ऐसा, फट से बन जाता है, आधे घंटे में ही रेडी हो जाएगा। तो नज्जू घुमा रहा है फ्रीली, नहीं चलो अच्छे से घूमो, और बच्चे घर में रहते थोड़ा सा उनका मूड फ्रेश होगा, बाहर घूमने से माइंड खुलेगा, एकदम घर ही घर में पैक रहते हैं। तो इन लोग को मास्क वगैरह लगा के अच्छे से हम लोग सैनिटाइज़र करके और रख भी लिए थे बच्चों के लिए से, क्योंकि बच्चे अक्सर बाहर जाते हैं तो कुछ भी छूते हैं। और इसके बाद देखिए अब हम लोग बस अब हम लोग को घर वापस जाना है। ये देखिए ये नीचे जा उतर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग सीधे अब घर चले जाएंगे। और बहुत घूम चुके थे हम लोग, बहुत मज़ा आया था। थैंक यू सो मच नज्जू, बहुत घुमाए हैं आपने, बहुत मज़ा आया हम लोग को घूमने में। और इसी तरीके से फैमिली थोड़ा सा टाइम देती है एक दूसरे को और इन्जॉय करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम चारों निकले थे और काफ़ी बातें चीखते हम लोग की, यहाँ तो इतनी सारी इधर उधर की बातें, मैं कुछ बता रही थी, नज्जू कुछ बता रहे थे, तो हम लोग की इसी तरीके से बात वगैरह हो रही थी, बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर का आ रहा था, तो क्लियर आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने नहीं दिया है ओरिजिनल साउंड। नहीं तो हम लोग ना इधर उधर की बातें बड़े उससे करते हुए और बस चले जा रहे थे। और इसके बाद अब बिल्कुल ये देखिए नीचे उतरने लगे हैं, और इसके यानी ये ऊपर वाला ब्रिज है, चौराहा आता है और इसके बाद ही अब घर का रास्ता आ जाता है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा सभी को मज़ा आया, हम लोग ने कुछ खरीदारी नहीं की, सिर्फ घूमे घूमे इंजॉय की, और ये देखिए घर वापस आ गए। ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा बैठे बैठे बहुत जल्दी आ रही है मैं। इस कॉलेज से फोन आया था, तो दिन हो गया है, कब तक आ सकते हैं सर्विसिंग के लिए? ये मैडम तो बस इनको अपना ब्रेक से ही फुर्सत नहीं रहती है पीली वाली को, अपनी उनको अपना घर से बोल सकते।